गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अगेन फॉर वर्केशंस। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, वर्केशंस। वर्केशंस मींस, लेट मी एक्सप्लेन यू, इट मींस वर्केशन प्लस वर्क, सो That's called vacations. Anyways, so पिछले व्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारी चिल्ला सीरीज, कसौली सीरीज एंड फर्दर जो हमारे ऑटोमोटिव व्लॉग शुरू हुए, उनको प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलिए फिर एक नवे व्लॉग, एक नवे दिन और एक नवी वर्केशन की शुरुआत करते हैं आज संडे को। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:56। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अगेन प्यारी सी उत्तराखंड की वादियों में आप लोगों को लेकर फिर चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। कभी भी लॉन्ग रूट पे जाएं आप तो हमेशा अपने व्हीकल में हमेशा ऑलवेज टायर प्रेशर को चेक करवा के ही चलें। बॉर्डर पे चंडीगढ़ पंचकुला में मेरे राइट और लेफ्ट में बहुत सारी नर्सरीज नजर आ जाएंगी एंड इन नर्सरी से आप अपने घर के लिए प्लांट्स ले। चलिए तो फिर कुछ खाने पीने की चीजें ले लेते हैं 24x7 से। मेरे बैक साइड में देख सकते हैं आप 24x7 है, 24x7 24 आवर्स खुला रहता है। आप अपनी कोई भी जो भी आप जर्नी पर जा रहे हैं उसकी नीड्स पूरी कर सकते हैं। लेट्स सी अब हम क्या ऑप्ट करते हैं। चलिए तो फिर 24/7 से बहुत सारी शॉपिंग करी हमने खाने पीने के सामान की, बिकॉज मम्मा साथ हैं एंड कुछ चीट मील तो बनती है। गाइस, ऑरेंज बाइट खा लो अगर आपका ट्रैवलिंग में दिल खराब। तुमसे जुदा होंगे ना कभी, तेरी चलिए तो फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करते हैं आपके साथ, छोटी सी स्टोरी है।
इंटरेस्ट बनेगा सुनिएगा, लाइक करिएगा, अगर नहीं इंटरेस्ट बनेगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एक दफा क्या होता है कि कॉलेज मेट्स मिल जाते हैं बहुत सालों बाद। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2000 सपोज करो 10 में अपनी डिग्री करी है और वो 2021 में मिले तो ऑलमोस्ट 11 साल बाद दोस्त मिलते हैं। तो एक दोस्त जो सा होता है वो मॉल में मिलता है उसे, और वो जो सा है दूसरा वाला फ्रेंड जो सा होता है वो अपनी बीवी के साथ हाथ में एक्सपेंसिव शॉपिंग के लिफाफे उसने पकड़े होते हैं, जो रिच वाला फ्रेंड होता है। तो वो रिच वाला फ्रेंड एकदम उसको जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फ्रेंड होता है उसे देख के बोलता है कि पहचाना मुझे। तो वो बोलता है नहीं नहीं सर पहचान में नहीं आएगा। तो जो उसकी वाइफ ने अपने हेयर ब्लॉन्ड करा रखे होते हैं ब्राउन कलर के, और बंदे ने भी एक्सपेंसिव गॉगल्स गोल्ड ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरीज वगैरह डाली होती है, तो वो बड़ा फ्लॉन्ट करके बोलता है अपने फ्रेंड को यार मैं वही हूँ जो तेरे पिछली सीट पे एग्जाम में बैठा करता था मनीष। तो वो बोलता है ओ मनीष आप, तो कहता है पहचाना ही नहीं आप तो टोटली चेंज हो गए। तो वो अपने स्टेटस सिंबल को और ज्यादा हाइप देने के लिए वो बोलता है हाँ यार मैं सीईओ बन गया ना। तो वो दूसरा वाला चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो ऐसे चलते रहते हैं वो मॉल में। पर वो जो सा है उसका दूसरा वाला जो लोअर मिडिल क्लास फ्रेंड है वो सोचता है उसको मतलब पॉजिटिव अवॉइड करने की, लाइक वो सोचता है कि मैं जल्दी से इससे अपना पीछा छुड़ाऊं क्योंकि वो बहुत शर्म महसूस करता है और वो अपना घर जाना चाहता है इमीजिएटली, उसका मूड ऑफ हो जाता है। हालांकि उसका मूड ऑफ उसे देख के नहीं होता या उसकी डेजिग्नेशन या उसकी पर्सनैलिटी को नहीं होता, उसे ये लगता है कि ये मेरे मेल का नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है मेरा फ्रेंड, मैं इससे बहुत नीचे हूं। तो क्या होता है कि वो बोलता है ठीक है मनीष फिर हम मिलते हैं जल्दी। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपना ऑफिस से आता है 5 बजे, चाय पी रहा होता है घर पे दूसरा वाला फ्रेंड, और मनीष उसका नंबर ले गया होता है और मनीष उसे फोन करता है हाँ सुधीर पहचाना? तो वो कहता है हाँ हाँ मनीष जी बताइए। तो वो उसे जी जी करके बोलता है, वो कहता है यार मैं ना बहुत दिन से एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा था, तो इस संडे को मैंने घर पे एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी रखी है तो मेरे घर पे आना। तो जनरली क्या होता है कि पहले तो वो बहाना मार देता है ठीक है समय मिला मैं जरूर आऊंगा। तो मनीष उसको सेम डे फिर फोन करता है मॉर्निंग में रिमाइंडर देने के लिए कि शाम को जरूर आना। मनीष ऐसा इसलिए करता है ताकि उसको अपनी एक्सपेंसिव जो उसने प्रॉपर्टी बनाई है, एक्सपेंसिव घर बनाया है, एक्सपेंसिव असेट्स बनाए हैं, वो उसे दिखा सके, अपना लेवल दिखा सके। जो उसके पॉश में मर्सिडीज खड़ी है, बीएमडब्ल्यूज खड़ी है, ऑडीज खड़ी है, नौकर चाकर है, वो पूरा अपना पूरा इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है अपने जो एक उसका फ्रेंड जो सा था लोअर मिडिल क्लास था। चलिए तो इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। I'm not
खत्म, तुझे कितना चाहे और हम।